नमस्कार साथियों, इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम इस सत्र में अकादमिक भाषा और इसके घटक विषय पर चर्चा करेंगे। आइए हम कुछ शब्दों पर विचार करते हैं। इस स्लाइड में अलग अलग ब्रैकेट्स में आपको कुछ शब्द दिखाई पड़ रहे हैं, इनको पढ़िए और इनकी प्रकृति पर थोड़ा विचार कीजिए। जैसे कोमल, अलंकार, निर्गुण, त्रिज्या, समीकरण, अंग, आयात, निर्यात, वायुमंडल, उपनिवेशवाद, संवाद, व्याख्या, धूप, पानी, हवा, श्वसन, गति, लवण, परमाणु। आप पाएंगे जिन शब्दों का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है उनमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो हम अपने रोजमर्रा की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, जैसे धूप, पानी, हवा, चलना। और कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका आप विशिष्ट विषयों में उसके ज्ञान को व्यक्त करने के लिए, अपनी समझ को व्यक्त करने के लिए, उसकी परिकल्पनाओं को, अवधारणाओं को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे वृत्त की त्रिज्या आप बताते हैं, द्विघात समीकरण की चर्चा करते हैं, अर्थशास्त्र में आप आयात निर्यात का उपयोग करते हैं, साहित्य में आप अलंकार, कोमल जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं, विज्ञान में श्वसन, गति, लवण और परमाणु जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसी आधार पर हम रोजमर्रा की भाषा और अकादमिक भाषा में अंतर स्थापित करते हैं। अकादमिक भाषा क्या होती है? अकादमिक भाषा ऐसी भाषा, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जिन्हें हम विभिन्न अकादमिक विषयों जैसे विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान में प्रयोग करते हैं। इन विषयों की जो शब्दावली होती है, जो वाक्य संरचना होती है और लेखन शैली होती है, उसे हम अकादमिक भाषा के अंतर्गत रखते हैं। अकादमिक भाषा रोजमर्रा की भाषा से इस अर्थ में भिन्न होती है कि यह विशिष्ट अवधारणाओं को व्यक्त करने के काम आती है। इनकी अपनी एक शब्दावली और एक शैली होती है जिसके माध्यम से हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, क्या शामिल करते हैं? अकादमिक भाषा के अंतर्गत विषयों से संबंधित कंटेंट नॉलेज तो होता ही है, उसके साथ उनका जो प्रेजेंटेशन, जो उनका कम्युनिकेशन होता है, उससे रिलेटेड जो भाषा के कौशल हैं, पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना, उसे हम सम्मिलित करते हैं। इन कौशलों का विकास, इन शब्दावलियों का विकास कौन करता है? उस विषय के विशेषज्ञ और अभ्यासकर्ता, उस विषय से संबंधित शब्दावली की, लेखन शैली का, भाषा की दक्षताओं का विकास करते हैं। कैसे आप शब्दों का विकास करेंगे, कैसे उन्हें संप्रेषित करेंगे और उसका क्या अर्थ लिया जाएगा, यह उनके द्वारा ही स्थापित, विकसित किया जाता है, चलन में ले आया जाता है और इसे वे लेखन, प्रकाशन और शिक्षण के माध्यम से स्थापित करते हैं। उदाहरण के लिए गणित में अमूर्त अवधारणाओं को व्यक्त करने वाले संबंधों जैसे प्रमेय, चर, समीकरण, सूत्र आदि का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही विज्ञान में हम इस्तेमाल करते हैं कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, तत्व, मिश्रण और यौगिक एक दूसरे से भिन्न होते हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से विज्ञान की भाषा है या जिस तरीके से गणित की भाषा है, उसको समझने के लिए आपको उस विषय का ज्ञान होना चाहिए और उस विषय के ज्ञान को व्यक्त करने के लिए उस विषय की भाषा भी होनी चाहिए। उस भाषा की अपनी अभिव्यक्ति का तरीका होता है जिसे आप अकादमिक भाषा के अंतर्गत रखते और समझते हैं। अर्थात आप जब उस विषय को सीख रहे हैं तो उनकी शब्दावली, वाक्य की संरचना और संप्रेषण की शैली, इन तीनों को भी आप साथ साथ सीखते चलते हैं और उनके माध्यम से ही उस विषय की अपनी समझ को व्यक्त करते हैं। आप यह देखिए, साहित्य में हम काल्पनिक और विशेषण शब्दों का विशेषण के प्रयोग अधिक करते हैं। जैसे साहित्य में हमारे लिए यह छूट है कि हम लिख सकते हैं हरी घास पर दूब फिसली जैसे कोई मोती, लेकिन क्या विज्ञान में आपको यह छूट है? विज्ञान की अकादमिक भाषा आपसे अपेक्षा रखती है कि आप यथोचित चित्रों का इस्तेमाल करेंगे, तालिका का प्रयोग करेंगे, समीकरण आदि का प्रयोग करेंगे। अर्थात आप यह देख रहे हैं कि अकादमिक भाषा रोजमर्रा की भाषा से तो इस अर्थ में भिन्न है कि उसका एक परिष्कृत रूप है जो साक्षरता से, घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है और समझ को व्यक्त करने के काम आ रहा है। वहीं एक विषय से दूसरे विषय की अकादमिक भाषा में भी भिन्नता है और यह भिन्नता ही अकादमिक भाषा को एक विशिष्ट स्वरूप, विशिष्ट अवधारणा के रूप में स्थापित करती है। अकादमिक भाषा से हम कैसे परिचित होते हैं? अकादमिक भाषा को सीखने सिखाने का मुख्य स्थान हमारा कक्षा कक्ष होता है।
कक्षा शिक्षण के दौरान विद्यार्थी अकादमिक भाषा से परिचित होते हैं। यदि आप अपने अनुभवों को ध्यान रखें तो बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनको आप पहली बार कक्षा में सुनते हैं, उनके प्रयोग को करना सीखते हैं और धीरे धीरे वे आपके शब्द बन जाते हैं जिनके माध्यम से आप अपनी समझ को व्यक्त करते हैं। जो विषय का अनुप्रयोगात्मक पक्ष है वह अकादमिक भाषा के द्वारा ही सिद्ध होता है। अकादमिक भाषा को आप पुस्तकों से और शिक्षकों से ग्रहण करते हैं। अपने कक्षा के कार्य और गृह कार्य में भी आप इस अकादमिक भाषा को ही इस्तेमाल में ले आते हैं। इन प्रक्रियाओं के द्वारा आप अकादमिक भाषा के यथोचित प्रयोग को सीखते हैं। अर्थात आपके पास केवल शब्द का होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी आवश्यक है कि आप उसका उस प्रकार से प्रयोग करें जिससे वह अर्थ निर्माण में सहायक हो। आप ये देख सकते हैं कि शिक्षण अकादमिक भाषा के माध्यम से अवधारणाओं का व्याख्यान, विश्लेषण, अवलोकन और पूर्व ज्ञान से संबंध आधारित करने के उद्देश्य से होता है। अर्थात अकादमिक भाषा के लिए हम जो हमारा व्याख्यान की प्रक्रिया है, जो विश्लेषण की प्रक्रिया, जो अवलोकन की प्रक्रिया है, पूर्व ज्ञान से हम उससे संबंधित करते हैं और वह हमारी अकादमिक भाषा को विकसित करने का एक माध्यम उदाहरण होता है। जैसे मैं अब आपके साथ जल चक्र का एक उदाहरण लेता हूँ। आप जल चक्र की संकल्पना पर विचार करते हुए, चर्चा करते हुए अपनी कक्षा के साथ पानी के स्थान पर जल का प्रयोग करने लगते हैं, धूप के स्थान पर सूर्य तप का प्रयोग करने लगते हैं। अर्थात आपके विद्यार्थी के पास रोजमर्रा की शब्दावली में पानी और धूप जैसे शब्द तो थे, लेकिन जब आप उनके साथ भूगोल विषय की चर्चा कर रहे हैं तो उन्हें आप उसके साथ साथ अकादमिक शब्दावली, अकादमिक भाषा भी प्रदान करते हैं। वह विद्यार्थी जल चक्र की संकल्पना के दौरान यह जानने लगता है कि इस प्रक्रिया में जो चरण है उनकी व्याख्या करते हुए किन क्रियात्मक शब्दों का प्रयोग करना है, वाष्पोत्सर्जन का प्रयोग करना है, वाष्पीकरण का प्रयोग करना है, प्रवाह का प्रयोग करना है, सूर्य तप का प्रयोग करना है, ऊष्मा का प्रयोग करना है। इस प्रकार से वह जो अपना अवलोकन है उसके लिए अकादमिक शब्दों को सीखता है और उससे परिचित होता है। अब ये जो आपने अकादमिक भाषा सीखी उसकी क्या भूमिकाएं हैं, यह आपके अकादमिक अधिगम में संप्राप्ति और सफलता का संकेत होती है। अर्थात आपने उस विषय को कितना सीखा, इसे जानने के लिए हम यही देखते हैं कि आपने अकादमिक भाषा को किस प्रकार से इस्तेमाल करना सीखा है। यह विषय वस्तु को समझने और उसे संप्रेषित करने का आधार होती है और यह आपके हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जैसे तुलना, वर्गीकरण, संश्लेषण और मूल्यांकन आदि को भी सुगम करती है। अकादमिक भाषा को हम लिखित, मौखिक, दृश्य एवं श्रव्य प्रयोग के माध्यम से समझते हैं, संप्रेषित करते हैं और इसके द्वारा ही हम दिए गए कार्यों को पूर्ण करते हैं। हमें यदि कोई कार्य दिया जा रहा है, चाहे वह प्रश्नोत्तर का कार्य हो, प्रस्तुतिकरण का कार्य हो, अपने विचारों को व्यक्त करने का कार्य हो, उसके लिए हम अकादमिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। ऐसे ही विषय से संबंधित प्रश्न पूछने, उत्तर देने, प्रयोग करके दिखाने में भी हम अकादमिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। आइए हम बात करते हैं अकादमिक भाषा के घटकों पर। अकादमिक भाषा के चार घटक होते हैं, शब्दावली, वाक्य की संरचना, भाषा के कार्य और विमर्श। आइए हम इन पर बारी बारी से बातचीत करते हैं। शब्दावली। शब्दावली के अंतर्गत विषय की अवधारणाओं से संबंधित शब्द हम शामिल करते हैं। जैसे आप देखें, परमाणु शब्द का प्रयोग विज्ञान में एक विशिष्ट अर्थ में होता है, इतिहास में उपनिवेशवाद का प्रयोग एक विशिष्ट अर्थ में होता है, भूगोल में वायुमंडल का प्रयोग हम करते हैं। ये जो शब्द होते हैं वस्तुतः अर्थ निर्माण के लिए ये एक औजार के जैसे होते हैं। इनके माध्यम से ही इतिहास जानने वाले के सामने जब आप उपनिवेशवाद का प्रयोग करेंगे, समय रेखा का प्रयोग करेंगे, किसी काल विशेष का उल्लेख करेंगे तो वह उससे वही अर्थ लेगा जो आप उसे संप्रेषित करना चाह रहे हैं। ऐसे ही परमाणु शब्द से विज्ञान वाला वही अर्थ लेगा जो उसे आप संप्रेषित करना चाह रहे हैं। अर्थात जो अकादमिक भाषा की शब्दावली होती है वह अर्थ निर्माण की आधारभूत इकाई होती है जिसके माध्यम से हम उस विषय को सीखते हैं। अब यह जो आपका सीखना है वह आपके रोजमर्रा के अवलोकन को भी व्याख्या करने का आधार प्रदान करता है। क्रमशः जब आप उस अकादमिक भाषा को सीखते जाते हैं तो आप अपने अवलोकन के लिए आपके पास एक तकनीकी और वैज्ञानिक शब्द होता है जिसके माध्यम से आप उसकी व्याख्या करते हैं। दूसरा पक्ष है भाषा के कार्य। आप भाषा को किसी एक उद्देश्य के लिए प्रयोग करते हैं।
यहाँ भाषा के कार्य से तात्पर्य उन क्रियात्मक शब्दों से है जिसका इस्तेमाल आप उस समय करते हैं जब आप उस अकादमिक भाषा का उपयोग कर रहे होते हैं। जैसे आप भाषा के द्वारा क्या कार्य कर रहे होते हैं, आप वर्गीकरण कर रहे होते हैं, तुलना कर रहे होते हैं, अंतर कर रहे होते हैं, यह भी अकादमिक भाषा का एक विशिष्ट घटक है। इसे आप ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो आपका घटक है उसके सापेक्ष देख सकते हैं। भाषा के कार्य के अंतर्गत हम उन क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं जिनके माध्यम से भाषा हमारी समझ को विकसित करने में मदद कर रही है। यह भाषा का वह वैज्ञानिक पक्ष है जो हमें बताता है कि अकादमिक भाषा हमारे चिंतन को किस प्रकार से परिष्कृत करने का कार्य कर रही है। तीसरा घटक है वाक्य की संरचना। किसी भी विचार को व्यक्त करने के लिए हम उस भाषा में एक विशेष प्रकार का वाक्य रचते हैं और इस पर विषय की प्रकृति का प्रभाव पड़ता है। जैसे विज्ञान का ज्ञान जो कि वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक होता है उसमें व्यक्तिनिष्ठता के तत्व को क्रम करने के लिए प्रायः हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं, सरल और छोटे वाक्य लिखे जाते हैं और वहां पर वैधता सार्वभौमिकता का पक्ष अधिक हावी होता है, वाक्य छोटे होते हैं, उनमें जटिलता नहीं होती है। इसके उल्टे सामाजिक विज्ञान में विचारात्मक संज्ञाओं और क्रियाओं का प्रयोग अधिक होता है, वहां पर आप बार बार एविडेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, तुलना का प्रयोग करते हैं, एक से अधिक व्याख्याएं करते हैं, कुछ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है और आपकी सब्जेक्टिविटी का भी पूरा स्पेस होता है और साहित्य में तो इसकी सबसे अधिक गुंजाइश होती है। जो अकादमिक भाषा है उसका चौथा घटक होता है विमर्श। एक विषय विशेष को जानने वाले उसे कैसे बोलते लिखते और अन्य विधियों से संप्रेषित करते हैं, इससे उस अकादमिक भाषा के विमर्श की रचना होती है। विमर्श एक संप्रेषण की शैली है जिसे विषय के अभ्यास करने वाले निर्धारित करते हैं और इसे विषय की किताबों, शोध लेखों, पत्रिकाओं और संगोष्ठियों की प्रस्तुतियों में आप देख सकते हैं। आप पाएंगे कि हर अकादमिक विषय की अपनी एक लेखन शैली है, एक शोध की शैली है, एक संप्रेषण की शैली, और वो उसकी पत्रिकाओं में देखी जा सकती है, उसे संबंधित सेमिनार और गोष्ठियों में देख सकते हैं। और अगर आप सबसे छोटी यूनिट पर देखें तो आप उसके विमर्श को उस विषय के कक्षा शिक्षण के दौरान भी देख सकते हैं। कैसे हम उस विषय के विमर्श को कक्षा शिक्षण के संवाद का आधार बनाते हैं। अब इस अकादमिक भाषा का विकास कैसे होता है? स्कूल के शुरुआती वर्षों में विद्यार्थी कक्षा शिक्षण के दौरान घर की भाषा का अधिक प्रयोग करते हैं, लेकिन समय के साथ साथ वे अकादमिक भाषा में सीखते जाते हैं और कक्षा में उसका प्रयोग भी बढ़ा देते हैं। केवल कक्षा में ही नहीं, कक्षा के बाहर भी विद्यार्थी अकादमिक भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। तात्पर्य यह है कि शुरुआत में घर की भाषा और विद्यालय की भाषा में ओवरलैपिंग बहुत अधिक होती है, लेकिन इस ओवरलैपिंग को कक्षा शिक्षण के माध्यम से, अकादमिक विषयों के परिचय के माध्यम से विद्यार्थी परिष्कृत करता जाता है और वह अकादमिक भाषा के शब्दों को वैसे ही अपना लेता है जैसे रोजमर्रा के भाषा के शब्द, और वह उनका अपनी बातचीत में सोशल इंटरैक्शन के दौरान भी उनका प्रयोग करने लगता है। अगर आप देखें तो आप एक प्रतीक, एक इंडिकेटर यह भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे अधिगम का स्तर बढ़ता जाता है वैसे बातचीत में अकादमिक शब्दावलियों का भी प्रयोग बढ़ता जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि रोजमर्रा की शब्दावली का प्रयोग घटता जाता है, क्योंकि बच्चे का शब्दकोश तो विस्तृत होता रहता है, लेकिन उस अपने विस्तृत होते शब्दकोश में विषय को सीखने, विषय के शिक्षकों के साथ जुड़ने, विषय की किताबों को पढ़ने के कारण उसमें स्पष्टताएं आती हैं। एक उदाहरण द्वारा मैं इसे स्पष्ट करूंगा। जो वृत्त उसके लिए गोला रहता है, धीरे धीरे वह उसे वृत्त के रूप में, परिधि के रूप में, त्रिज्या के रूप में, क्षेत्रफल के रूप में देखने लगता है। जो सामान का खरीदना बेचना उसके लिए रुपए का लेन देन होता है, उसे वह क्रय विक्रय के रूप में देखने लगता है। जो हरा पौधा उसके लिए कैसे बड़ा हो रहा है, उसमें वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझने लगता है। आप देखेंगे कि अकादमिक भाषा को सीखने के जो इनपुट होते हैं उसमें विषय वस्तु की स्पष्टता और भाषा की दक्षताएं दोनों आवश्यक होते हैं। प्रायः हम मानते हैं कि यदि विद्यार्थी के सामने हमने विषय वस्तु को सरल तरीके से डायग्राम इत्यादि के माध्यम, TLM इत्यादि के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया तो उसे विषय वस्तु की स्पष्टता हो जाएगी। यह होती है, उसे विषय वस्तु तो स्पष्ट होती है, लेकिन अंततः उस विषय वस्तु की स्पष्टता के साथ साथ उसे वह अकादमिक भाषा भी सीखनी होती है जिसमें वह विषय अनुशासित होता है, मर्यादित होता है, उसकी शब्दावली, उसके वाक्य की संरचना, उसमें भाषा के कार्य और जो विमर्श होते हैं उन
में जब तक बच्चे की दक्षता नहीं बढ़ती है तब तक उसका अधिगम वस्तुतः फलीभूत नहीं होता है। अर्थात अकादमिक भाषा हमारे अकादमिक अधिगम को संपुष्ट करने का कार्य करती है। वह हमें एक ऐसा अवसर प्रदान करती है जहां हमने जिस विषय को सीखा है हम उस विषय के समूह में उस विषय की शब्दावली से अपने विचारों को सीखे हुए ज्ञान को अभिव्यक्त कर सकें।